हेलो जी, बात कर रहे हैं क्या? जी बात कर रहा हूँ। हम एक OTT प्लेटफॉर्म के बारे में सर्वे कर रहे थे, अगर आपके पास में इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 2 मिनट का वक्त हो तो क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? सर, आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या देखा है? दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू अ सर्वे अबाउट। सर, सो हमें ये जानना था सर, आपने मनी हाइस्ट देखी है क्या? कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी? एंड सर, आपने असुर कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी? पंचायत देखी आपने? पंचायत हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए। अच्छा, एंड आपने ये देखा स्पेशल ऑप्स? हाँ बिल्कुल, ये अपना टाइप है। क्या बात है सर, आपने मतलब लॉकडाउन में सभी कुछ देख डाला है। हाँ बिल्कुल, टाइम है, यही करते हैं। अच्छा सर, मैं देख पा रहा हूँ ये चारों प्लेटफॉर्म जिसका आपने नाम लिया सर, हमारे सिस्टम के अनुसार इन चारों प्लेटफॉर्म पे आपने अलग अलग आईडी से लॉग इन किया है। एक में विशाल है, एक में कीर्ति है, एक में प्रतिभा है और चौथे में क्या नाम है, संगीता। हाँ तो ये मतलब आपने किसी में सब्सक्राइब नहीं किया, आपने लोगों से अपने दोस्तों से आईडी पासवर्ड मांगा है और उसके बाद में आपने ये सारी चीजें देखी है। तो सर मैंने क्या किया, उससे तुझे क्या लेना देना, सर्वे करना ना, सर्वे नहीं, नहीं लेना देना कुछ नहीं है, बस मैं यही बोल रहा हूँ, आपने सब्सक्राइब कुछ नहीं करा, उधार की जिंदगी जी रहे हो आप सबसे मांग मांग करके, है ना? अरे मैं उधार की जिंदगी जी रहा हूँ, मैं किसको क्या ले रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, तुझे क्या लेना देना उससे? सर आप खुद भी तो सब्सक्राइब कर सकते थे, लेकिन आपने मांग मांग करके किया सर, ये तो मतलब गलत बात है ना सर। तू अपना देखना, तू अपनी औकात देख, तू क्या कर रहा है सर। मैं सर औकात की बात ना करें सर, सर आपके दोस्तों ने भी कहा था औकात मेरा, लेकिन फिर भी आपने रोक गिड़गिड़ा करके मांग तो लिया था ना उन लोगों से आईडी पासवर्ड। मैंने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, तू कौन होता है, तू अपनी औकात देख, तू अपना काम कर, फोन रख तू। हेलो, हाँ हाँ जी जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। दरअसल आप मुझे नहीं पहचानते, हमारा मेरा बेटा और आपका बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और हम और आप एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी हैं। हमारी कभी बात नहीं हुई, एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपसे कुछ कंसल्ट करना चाहता हूँ। हाँ बताओ ना। हाँ, मैं अपने बेटे का भी हिंदी का होमवर्क करा रहा था तो उसमें एक सवाल था कि कद्दू कटेगा और सब में बटेगा, इस पर एक कहानी लिखना है इस मुहावरे पर, ठीक है? तो मुझे कहानी समझ में आ रही है, जरा आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ कि सही है कि नहीं। कहानी ऐसी होगी कि एक बंदा जिसने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन ले लिए उसने, और उसने क्या किया, सारे उधार उसके जितने भी दोस्त उधार मांगते उससे, सारे उधार खोर दोस्तों को उसने उसका पासवर्ड और आईडी शेयर कर दिया। आपको ठीक लग रहा है ये? तो हुआ ना, कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। नहीं मतलब पासवर्ड और आईडी जो है वो कद्दू हो गया और सब में बांटना हो गया, उधार खोरों दोस्तों को देना। अरे फिर भी ये मतलब कुछ और समझाओ, बच्चा है वो। सर ये तो परफेक्ट एग्जांपल है। अब आप कौन बोल रहे हो? सर मैं वही सर्वे वाला बोल रहा था। कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास में घुसे हुए, कुछ और काम कर लो यार। अब दोबारा फोन करूंगा तुम्हारे लिए, मैं किसी से लूं, किसी सर्वे करो ना। कद्दू कटेगा तो कितना परफेक्ट एग्जांपल दिया सर, 10/10 मिलेंगे बच्चे को अगर ये लिख करके आएगा एग्जाम में। नहीं पता कि देखो कंप्यूटर में दे दूंगा मैं। अब दोबारा कॉल कर दिया, तुम्हारी याद रखना, तुम तंग करके रख दिया है भाई साहब। काट दिया, बहुत गालियां दी है, काट दिया, लास्ट कॉल यार। हेलो, मैं क्या कह रहा था, आज नगद कल उधार, कब आएगा लोगों की जिंदगी में सुधार? भाई उधार लिए बैठना और फालतू में ऐठना, ऊंची दुकान और उधार का पकवान, भाई उल्टी गंगा बहना और उधार के लिए गाली भी सहना, उधेड़ बुन में रहना। फोन क्यों करते हो, कौन बोल रहा है? उधेड़ बुन में रहना और उधार वालों का क्या कहना। हाँ भाई क्या कहना। आपस में बात कर रहे हैं, हंसे जा रहे हो, फोन क्यों किया है? हेलो, कौन? ये बताने के लिए, ये बताने के लिए उधार की जिंदगी कितनी खराब होती है, मैं सर्वे वाला बोल रहा हूँ। क्या से क्या हो बता दो भाई, फोन किए जा रहे हो, बस यही समझाया जा रहा है, उधार की जिंदगी, उधार की जिंदगी चाहते क्या, ये तो बताओ। मुर्गा बनाना चाहते थे, आपको परेशान करना चाहते थे लॉकडाउन में। आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से आपके दोस्तों ने नंबर दिया था, बोला था कि इस, खैर क्या बोला था वो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसने सबसे आईडी पासवर्ड लिया था। लेकिन गलत बात है ना सर, ऐसे कभी तो खुद भी सब्सक्राइब कर लो किसी चैनल पे। अच्छा ठीक है, अब इस बार बोल रहे हो तो मैं कर लूंगा, मैं बाकी दोस्तों को भी दे दूंगा। कर लो कर लो कर लो, ठीक है, और जब हो जाए ना तो हमको बताइएगा आईडी पासवर्ड क्या है। हेलो सर, मैं क्या वीरल दवे जी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी वीरल बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं मोहित बोल रहा हूँ सर, और हमारी एक एजेंसी है, दरअसल मैंने ये कॉल आपको किया है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके सर, मुझे पता है कि आप तेल के बिजनेस में हैं, पेट्रोल पंप है आपका एक, राइट राइट सर, हमारे एक क्लाइंट है सर,
से इनका तेल का कुआं है और ये तेल का कुआं बेचना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? तेल का कुआं बेचना चाहते हैं? जी सर, और बहुत ही कम प्राइस में, थ्रू अवे प्राइस है सर, बहुत कम प्राइस में। एटलीस्ट आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं क्लाइंट मेरे साथ, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्लाइंट को आपके साथ। चलिए ठीक है, देखते हैं। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चढ़ता है महरों में पर घोड़ा अपना अरबी है। वल्ला हेलो। हेलो, तुम्हारे नाम क्या होती? विरल। विरल केसरी वाला? नहीं नहीं, विरल में बोलती, हमारा इधर में तेल का कुआं होती, हम हमारे तेल का कुआ बेचना चाहती, हम तुमको देगी, तुम हमसे लेगी और मजा आएगी। मोहित से मेरी जरा बड़ी बात कराएंगे? क्या हुआ, हमसे बात करके अच्छा नहीं लगी आपको? नहीं, एक बारी मोहित से बात करा दीजिए। जी वाला, हम दी थी उसको, एक मिनट। मोहित तुम लेगी? हाँ ले लो। जी विरल सर बताइए। अरे मोहित भाई, किसको फोन दे रहे हो तुम, ये क्या देगी लेगी कर रहे हैं यार? सर ऐसी बात नहीं है, वो उनका सर थोड़ा तरीका होता है उस तरीके से बात करने का, बस। तुम माइंड मत करो ये मेरे बातों की, मैं तुमको काम की बात बताती हूँ। मूड पे चढ़ के आती मेरे तेल का कुआ है, हम तुमको तेल का कुआं ऐसे, तुमको ऐसे पूरा अपना हाथों से ऐसे तुमको अपने तेल का कुआं देगी, तुम हमसे लेगी, हम दोनों का डील होएगी, हम लोग साइन करेगी, मजा आएगी वाला, हम लोग पार्टी करेगी। ठीक है जी, क्या प्राइस रखा है जी आपने अपना? जी हमने ऐसे देखो, हमने अपना नहीं, बोलो हमारे तेल का कुआ का क्या प्राइस रखा, हम तो प्राइसलेस है। जी जी जी, प्राइस अपने तेल के कुएं का बताइए। जी हमारे तेल का कुआ छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम हमारे तेल का कुआ का 5,000 प्राइस रखी है। 5,000? ये पहले क्या बोले तुमने? नहीं, 5,000 में अपने क्या ये रेट रखा होगा? कुआ बेच रहे, क्या बेच रहे हैं आप? वाला हम तुमको बताए, पहले बोला कि एकदम छोटा कुआ है मेरा, लेकिन तेल का कुआं है हमारा, लेकिन कुएं में तेल नहीं है, तेल हम सारे निकाल लिया है, अब खाली कुआं बेच रही है हम। अरे तुमने सारा तेल ही निकाल लिया तो ना, करवा सकते हो तुम एक बार, मजा आएगी। तुम लेगी हमारे तेल का कुआं, हम तुमको देगी। विरल भाई लेगी, देगी विरल भाई, बुरा मत मानिएगा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, आपके दोस्त के कहने पर आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई, आप भी ले लो यार, आप भी ले लो। सर ना, आपका तेल का काम है पेट्रोल पंप आपका? हाँ जी हाँ जी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आवाज से लग नहीं रहा होगा कि आपने खड़ा किया होगा पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप तो आपके पिताजी ने खड़ा किया होगा, है ना? तुम भी ले रहे हो यार। लेकिन ठीक है भाई, बाप का पेट्रोल, मुर्गा बनाने के लिए क्या आप रैंकिंग दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से किसको ये तेल का कुआं? खैर छोड़िए, अगर आप भरवा रहे हैं पेट्रोल गाड़ी में फुल, मुबारक हो आपको, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, यस आपके पति? मेरे पति? हाँ जी, कौन? ओ जी आपके पति ना? आपके पति? आप कौन बोल कौन रहे हो? नहीं आपको पता नहीं है कि आपके पति? तुमको बताना चाहिए लेकिन नहीं, देखो वैसे तो फोन इसीलिए किया, लेकिन पता नहीं बुरा नहीं मान जाए। हेलो, देखो जी। हेलो, ना उसी, हेलो बैंक रो क्यों रही है ये? हेलो क्या हो गया? हेलो हनी, इन्हीं की वजह से तो हमने फोन किया है आपको, इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग एक्चुअली। नहीं कौन है ये, मतलब क्या हुआ मेरे पति ने क्या? देखो जी, जो आपका पति कर रहा है ना, वो बस नहीं सकते हम। क्या किया उन्होंने? एक सेकंड, आप लोग बोल कौन रहे हो? वैसे सीधा एक कॉल पे बता पाते तो मतलब हम तीन लोग एक साथ कॉल पे नहीं होते ना यार, इतना घुमा रहे हो। मैं भूखी हूं, मैं भूखी हूं। सुनो ना, हेलो, ये रोक रही है। अरे देखो जी, हम आपके हमदर्द हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, पर बताओ ना क्या। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। आज आप सुन ही रही है, ये भूखी है और आपके पति के कारण ही वो कह रही है कि ये भूखी है, ये भूखी है, ये भूखी है, तब से बोल रही है आपको। भूखी है काफी, मतलब वो किए थे तो खाना खिलाने जाके मेरे पति ने क्या किया मुझे ये बताओ। लकड़ी पति ने ले लिया है ना, कोई काम किसी के साथ करे, कभी नहीं करे किसी के साथ, भगवान ना करे कभी कोई किसी के साथ करे, सच में। एक सेकंड, वो आके मुझे मैम से बात करना, एक मिनट मैम आपसे बात करना चाह रही हूं।
हेलो हेलो मैम, देखो पहले तो आप घबराओ मत। मैं भूखी हूँ, भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ। मैडम आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं, बहुत बड़े वाला धोखा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीरियसली ये हो क्या रहा है? आप बोल रहे हो मेरे पति मेरी, आपको पता भी है कि उन्होंने क्या किया है? पता भी है किया क्या उसने? अरे वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप गाली दे रहे हो। सबसे पूछ रही हूँ। ओके ओके, आप ऐसे गाली अगर देना चाहती है, इरोनी नो द ग्रेविटी ऑफ, आप बताना चाहेंगे क्या किया उन्होंने? भूखी हूँ ना, बहुत भूखी हूँ। उन्होंने यार इनको खाना खिला दो, मेरे को बताओ। वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है इतना बड़ा धोखा दिया उन्होंने आपको, जो आप उनके लिए रोज अपने खुरदरे हाथों, सॉरी मुलायम हाथों से खाना बनाती हैं, वो खाते नहीं है रोज। हाँ जी, वो मुझे जबरदस्ती खाना पड़ता है और इनका टिफिन खा जाते हैं वो, और ऑर्डर करते हैं जी बाहर से, और रोज मजे से खाते हैं वो। नहीं अरे मदर प्रॉमिस नो क्रॉसेस। अरे नहीं सच्ची, ये इसीलिए तो भूखे हैं क्योंकि इनको अपने घर का खाना खाने को नहीं मिल रहा है, और आप जो गंदा खाना बना के भेज रहे हैं भाभी जी, इनको ये खाने को मिल रहा है। यार हद है, तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? जी आपके साथ धोखा हो रहा है बहुत बड़े वाला। हो गया धोखा, 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 धोखा हुआ। मैडम हेलो, हेलो मैडम, आपके हस्बैंड के बोलने पर हम आपको मुर्गा बना रहे थे। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हमारे पास, हमारे साथ स्टूडियो में धोखा राउंड द कॉर्नर की पूरी टीम है। खुशाली कुमार है यहाँ पर, अपार शक्ति है, दर्शन कुमार है, और माधवन सर है, वो इस वक्त मुड़ी खा रहे हैं। और ये सारे लोग मिलकर के आपको मुर्गा बना रहे थे। और हमारे साथ एंड ऑफ कोर्स आरजे प्रवीण, हु इज वेरी मूडी। हेलो, हाँ जी मैडम, आप रख दो, हो गया काम हमारा। आपने बहुत बढ़िया बोला था। हेलो नमस्कार सर, हम फोन की तरफ से बात कर रहे थे। सर आपके मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है। मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से? पोस्टपेड कनेक्शन जिनका भी है उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक किया जा रहा है। सो अगर सर आपका आधार नंबर अभी है तो हमें बता दीजिए। 3248। आपके फोन को मैं जरा सा होल्ड पे रख सकता हूँ? ठीक है ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर होल्ड पे रहने के लिए। हाँ। मैं देख पा रहा हूँ सर आप वीडियोस देखने के बड़े शौकीन हैं। यूट्यूब पे कभी कभी कुछ वीडियोस देख लेते हैं सर। मैं वो कंटेंट वाले वीडियोस की बात कर रहा था। नहीं नहीं हम नहीं देखते, वो हमारे दोस्त लोग है ना, वो रूम पे जाते तो शायद वो लोग मोबाइल जो है वो। वैसे भी हमारा एक ऑफर, क्या दिक्कत क्या इसमें आप ये बताएं? हमारा एक ट्रायल पैक आया है जिसमें आप ये सारे वीडियोस फ्री में देख सकते हैं। 30 दिन के लिए हसीन दर्द आप बिल्कुल मुफ्त में देख पाएंगे। इतना फ्री एकदम, तो आप भाई साहब एक्टिवेट कर दीजिए। आधे घंटे के अंदर में ये सर्विस आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी सर। ओके ओके थैंक यू। हेलो नजर से हेलो देखा एक जालिम ने बाथरूम में बैठ कर हमने कैमरा बड़े सभी जाम बोल रहे। कौन है, कौन बोल रही है मैडम? आप गलत नंबर मिला दिया आपने किसी और को। पर कौन बोल रहा है भाई? आपने मेरा वीडियो देखा, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? लेकिन आपको नंबर कैसे मिल गया? हमने वीडियो तो देखा था। आपने वीडियो देखा, आपका नंबर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया। तो आप अपना नंबर व्हाट्सएप पे है तो दीजिए फिर थोड़ा सा। आपने मेरी वीडियोस की अदायगी देखी किचन के? अरे बहुत बहुत सही देखी, हमने उसका लिंक भी शेयर किया दोस्तों को। रिवाइंड फॉरवर्ड कर करके देखिए, अभी अभी थोड़ा सा ऑफिस में हम और आसपास लोग जो है वो थोड़ा सा गलत समझेंगे, तो अगर आप इतमान से हमें कॉल करें रात को 10-11 बजे। डाका कौन ना आवाज आते की हुए थे? समझ नहीं पा रहा हूँ क्या भाई, नालो लग रहे तो। अरे भाई बंगाली मुझको नहीं आती। विक्टोरिया नहीं है जाबो, घोड़ा और पीटा चढ़ो हमरा। विक्टोरिया में वहाँ मिलेंगे आप क्या? टिक 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 टिक। तो आराम से बात करते ना अपन लोग। आए तो एक चापी आए, एक दिन होल्ड करेंगे, मैं बाथरूम में जाके बात करता हूँ आपसे। हाँ बोलिए ना। अभी क्या पहने हुए हो? फॉर्मल कपड़े पहने। बाथटब है आपके ऑफिस में? इसके ऑफिस में बाथटब होता है यार। कमोड है? बैठ जाइए। बैठ गया, बताओ ना आप क्या करना है? एवर हैगे नहीं हैगे मोड़े जा। क्या बदतमीजी है ये? फोन पे लड़की की हाय सुनने के साथ ही बाथरूम में क्या करने चले गए भाई? तो मेरे को ये बताओ पहले, ये कौन बोल रहा है? अच्छा लड़की को क्या बोलती है? कमोड पे बैठ गया, आप क्या करूं? मुझे लगा क्लाइंट कॉल है, मैं इसीलिए। हेलो नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 सर। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था यार। प्रवीण भाई इस जालिम ने। दीदी गलती हुई दीदी, कब 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 कभी भी ऐसी गलती होगी दीदी। दीदी हेलो
हेलो, आपने वक्त हमारा खोटी कर दिया, बर्बाद कर दिया। भाई साहब बात कौन कर रहा है? इतना वक्त हमने नल के नीचे कभी नहाने में भी नहीं लगाया। अरे बोल कौन रहा है? मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ सर, और आप ही हमारी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। परेशानी क्या है वो तो बताओ। आप कुछ करते क्यों नहीं है? मतलब घर पर आप कुछ करते क्यों नहीं है? करूँ नहीं करूँ उससे तुझे क्या मतलब है? आप खिड़की बंद करके रखिए अपनी। बस क्यों बंद करके रखूँ? मेरी खिड़की है, मुझे हवा चाहिए। आपकी खिड़की बंद रहने से बाकियों का भला होगा। अबे लेकिन मुझे मेरी सुविधा का पता है ना। देखिए आपकी शादी हुई अभी रिसेंटली, सुंदर सी बीवी आई है। जबान संभाल के बात कर, समझ गया ना। हम ऐसे दिन भर खिड़की पर बैठे रहते हैं यही आस लगा के कि आप खिड़की पर आएंगे कुछ करेंगे। नहीं नहीं शादी हुई है लेकिन कुछ करते ही नहीं है आप। तेरा नाम बता मेरे को, किधर रहता तू? मैं तेरे घर के बगल में रहता हूँ, खिड़की पर आओ थोड़ा रुक। तो हम लोग भी देखें। अबे मेरी खिड़की का छोड़, मेरा जो बेटा है उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं हमेशा खिड़की के सामने बैठा हुआ रहता हूँ। आप कुछ करेंगे कुछ करेंगे, बेटे की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ मैं। पापा टूटू टूटू था ये, अंकल कुछ करते नहीं है। अंकल को बोलो कुछ करने के लिए। अंकल मेरी पढ़ाई छूट रही, प्लीज कुछ करो ना। देखिए बेटे की डिमांड है, आप तो कुछ कर लीजिए खिड़की पे। घर में घुस के मारूंगा मैं, समझ गया क्या? अंकल अंकल मेरा तो अभी तक भी नहीं है। अंकल कह दो ना। हेलो। देखिए आवाज हमारी बड़ी खराब लगेगी लेकिन बता रहा हूँ आइडिया बड़ा जबरदस्त है। कौन बोल रहा है? मेरा दूरबीन का काम है। मैं क्या करूँ? चाहता हूँ कि तीन चार बिल्डिंग दूर से भी लोग ऐसे देखे ना तो उनको साफ साफ नजर आए। वो बगल वाला है उसी ने बोला कि तेरे को, अगर आप खिड़की पे आके कुछ करेंगे ना तो हमारे दूरबीन बिक्री होंगे और 50% प्रॉफिट आपका है भैया। फिर दूरबीन में तेरी दुकान में आके ना। एक मिनट, आप कुछ करते क्यों नहीं है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम आपको हकीम का नंबर भी दे देंगे। तेरी दूरबीन का जो कांच है ना वो फोड़ डालूंगा मैं, के अंदर बता रहा हूँ मैं के फोड़े। हेलो सुमित जी। हेलो जी, नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका एमएमएस नहीं ऑडियो एमएमएस बना रहे थे, यानी कि मुर्गा बना रहे थे हम आपका। भाई आ गया, देखा हमारे लौंडे के लिए कर दे थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा कर दे ना। अब तो एक्शन सच्ची दिखाना बनता है, तुम कैमरा लेके कर दिया। हेलो हेलो सर, Are you free to talk right now? मैडम हिंदी में बोलेंगी क्या? हेलो सर, एक्चुअली हमारे यहाँ पे चल रहा है एक अनोखा टेलीफोन कॉन्टेस्ट, जहाँ पे अगर आप वॉइस पहचानेंगे तो आपको हर वॉइस पहचानने पर 100 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वुड यू लाइक टू प्ले सर? जी जरूर, पैसा तो खेल ही सकते हम लोग। ओके सर, तो आपके लिए वॉइस ये रहा। खामोश। ये तो शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज है। नहीं, आपको बताना है कि कौन सी मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा ने ये इस्तेमाल किया था। भाई साहब जहाँ तक मेरे को पता है तो हर एक मूवी में इस्तेमाल किया हुआ है, कालीचरण में भी किया हुआ, विश्वनाथ में भी किया हुआ है। नहीं ये डिफरेंट था, ये था अर खामोश, कालीचरण और विश्वनाथ वाला था अर खामोश। अरे यार कैसा सवाल है यार ये। सर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। हाँ डोंट वरी सर, फिर से एक बार खेलते हैं। बोलिए बोलिए। कुत्ते कमीने, मैं तुम्हारा। ये धर्मेंद्र जी है। नहीं आपको बताना है धर्मेंद्र जी ने कौन सी मूवी में इसका इस्तेमाल किया था। अबे यार कैसा सवाल है, ये धर्मेंद्र तो हर एक मूवी में यूज करता है यार। काट रहे हो क्या फोन करके? सर आप गुस्सा मत होइए सर, हम लोग तो ऐसे को टेस्ट कर रहे हैं, 100 रुपए आपके अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे। एक सर, एक सर, बस और एक बार, आर यू विलिंग टू प्ले जस्ट वन मोर टाइम? हां चलिए बोलिए। क्या बात क्या बात क्या बात हाय। मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन बताना है कि कौन सी मूवी में, समझे? है काम धंधा नहीं तुमको, दिल छोटा मत कीजिए सर। हेलो। हाय सर, सर एक तकनीकी खराबी के लिए ना सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, 4 घंटे बाद हम लोग फिर से आपको ट्राई कर रहे हैं सर। वुड यू लाइक टू प्ले द कॉन्टेस्ट? मैडम एक बात बताइए। जी सर। ये कैसा सवाल था, आवाज कौन कौन से भी है? फिर से वही सवाल, आप लोग ऐसा ऐसा सवाल पूछोगे बेकार में। सर अब तो हम लोग पूरा चेंज कर देंगे सवाल सर, डोंट वरी, बट सर प्लीज गिव अस लास्ट चांस सर, एक और मौका प्लीज। मैडम इतने प्यार से बोलो तो 10-10 चांस दे देंगे आपको। थैंक यू सर, आपके लिए क्वेश्चन ये रहा। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर। आवाज सही पहचानी है लेकिन आपको बताना है कि कितनी बार हाँ में ई की मात्रा लगी है?
ये हा के ई की मात्रा की मात्रा दिल छोटा मत कीजिए। चुप रहा है, चुप रहे तू। सर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप शादीशुदा है? मैं शादीशुदा हूँ चाहे नहीं हूँ। करेगी तू शादी करेगी मेरे से? सर जिस इंसान के पास इतना फजूल का वक्त हो वो मुझसे शादी करेगा तो मुझे कितना वक्त देगा? देगा वक्त के साथ क्या क्या को पता है? एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल सर, हाँ एक आखिरी सवाल। अरे बट्टे, अरे बट्टे, अरे बट्टे, कभी रेड एफएम सुना है? अरे रेड एफएम तो सुनता रहता है। हाँ बेटा, तो मैं रेड एफएम आरजे प्रवीण, मेरे साथ में मलिका, हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। बड़े टाइम के बाद में बट सक्सेसफुल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भाई। रख शायद क्या बोला? रख रन। हाँ भाई बोले रख डन। हेलो हेलो, प्रेम भैया बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। प्रेम भैया, आपका मदद का हमको बहुत जरूरत था। हम सुने हैं कि आपका पहुंच बहुत ऊपर तक है भैया। पहुंच ऊपर तक है तो क्या, कौन बोल रहा है? नाम भैया, देखिए आप हमको नहीं चीनेंगे, हम आपको पहचानते क्योंकि ये आपका बड़प्पन है। आप हमको चीनेंगे ऐसे पॉसिबल नहीं है ना सर, हम लोग छोटप्पन आदमी, हमारा नाम छोटन साओ। कौन सी तुम बड़प्पन छोटप्पन की, नाम क्या क्या नाम बताया? भैया हमको एक मदद का जरूरत है और हमको मालूम है कि आपका पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो आप जो है अपना ऊपर तक जो पहुंच है उससे हमारा मदद कर सकेंगे भैया? तो ये पहुंच ऊपर तक है, पहुंच ऊपर, तुम क्या बोलना क्या चाहता है साला? भैया मदद चाहिए था। मदद चाहिए तो क्या, क्या मदद चाहिए? बोलो मदद भैया। आप ऐसा बड़प्पन है आपका कि आप हम बड़प्पन है, बार बार बड़प्पन है, छोटप्पन है, पहुंच ऊपर तक जला रहे हो साला तुम लोग। देखिए ये भी आपका बड़प्पन है भैया, अगर कुछ जल रहा आपका तो बड़प्पन है। करो साला। सुनिए भैया, मैं आपको बता रहा भैया, हम जहाँ रहते हैं ना, हमारे घर के ठीक ऊपर में एक आदमी रहता है ना, तो उसका गमला से पानी चूता है, हम 5-6 बार जाके उसको बोल चुके हैं, लेकिन वो हम लोग जैसा जाके उसको मना करेंगे? यही काम बचा आपके जीवन में साला भैया? सुनिए ना भैया, आपका पहुंच बहुत ऊपर तक करवा, मेरा पहुंच ऊपर तक साला तू हमसे भैया, ये भी आपका बड़प्पन है। मेरा बड़प्पन पागल साला। हाँ प्रेम भैया बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रेम भैया आप नहीं पहचानेंगे मुझे, हम लोग का मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस है, हम फिल्में बनाते हैं और हम रियल लाइफ इवेंट्स पर फिल्म बना रहे हैं, हमें एक रियल कैरेक्टर चाहिए जो जिसमें दम हो, खम हो। फिल्म है कि वेब सीरीज टाइप का कुछ है? नहीं फिल्म है। अच्छा, और सर हमें आप के बारे में पता चला है, आप बहुत ही दबंग टाइप के इंसान है, बहुत सॉलिड है आपकी पर्सनैलिटी, तो आप, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें क्योंकि आपकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। तो क्या करना बोलिए सर? मैं अभी ये कहानी क्या है उसके लिए अपने डायरेक्टर को फोन दे रहा हूँ, वो आपको समझाएंगे पूरी बात। जी सर, हमारी फिल्म का नाम है, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। ये हमारी फिल्म का नाम है, कौन साहब बोल रहे हैं? हमारा नाम ओपी मेहरा। अच्छा मेहरा जी, जी नमस्कार बोलिए। तो हमारी फिल्म जो है उसका नाम हमने रखा है बड़प्पन छोटप्पन। ये क्या नाम रखे हैं? बड़प्पन छोटप्पन। बड़प्पन छोटप्पन जी, ये एक बड़े शहर के और एक छोटे शहर के लड़के की कहानी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आप ऊपर एक घर है उसमें जाते हैं, ठीक है, वहां जाकर के उनको कहते हैं हटा 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 गमला, तुम लोग हमको पता है रे साला। तब वो आदमी साला गेंद बनाए हुए है, चल चुके हैं तुम लोग, अभी थोड़ा पहले करा थी बड़ा पानी के जाके मना करे, तुमको मालूम है हम कौन है रे साला? बड़ा अपना पानी बड़ा पंच छोटा अतुल बड़ा छोटा पन मेरा डालने के साला, तू का गोली चला देंगे। ये देखिए भैया, ये तो आपका बड़प्पन है। पागल साला। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मुर्गा बनाने के लिए कौन दिया आपको? मेरा नंबर फिंटवा दिया था ना नंबर, एक बड़प्पन दिया है, बड़प्पन दिया है, मजाक बना के छूट साला। ये भैया आपका बड़प्पन है। पिंडुआ का पार देखे। अरे मैम, ओ माय गॉड, बया दे भाई। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? आप आओगे ना? हाँ
आप आओगे ना? कौन बोल रहा है? आओगे ना? मैं जो भी बोल रही हूँ प्लीज आओ ना। अब कौन बात कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, आ जाओ, आओगे ना? कहाँ पे आना है? कहाँ पे? कहाँ वहाँ सब छोड़ो जानू, आओ ना, आओगे ना? बोलो। आ जाऊंगा, लेकिन आप बोल कौन रही हैं? बुलाती है मगर जाने का नहीं। हेलो हेलो, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये कोई पीछे से बोला कि आना। बेकार की बातें छोड़ो, आओगे ना? लेकिन आना कहाँ पर है? बुलाती है मगर जाने का। अरे क्या तुम बोल रही हो? आओ, ये बोल रहा है, बताओ क्या क्या चल रहा है? सच्ची बात बोलो ना जानू, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। बना रहे चल हेलो। हाँ सर, वो मिठाई दुकान से बोल रहे थे? आपने मिठाइयाँ कुछ करवाई थी ना अपने सासू माँ के लिए पैक, वो कम चीनी वाली? हाँ सर, तो वो तैयार हो गई है सर, आप कब लेकर के जाएंगे? कब लेके जाऊंगा? ले जाऊंगा, बताओ क्या क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा सर, आप अपनी सासू माँ के लिए ले जा रहे हैं ना सर? अरे मैं अपनी सासू माँ के लेके जाऊँ, बीवी के लिए लेके जाऊँ, तुम्हें कैसे पूछ रहे भाई? उसके लिए आप ससुराल जाएंगे ना सर? आ जाऊंगा, क्यों नहीं? सासू माँ ने कॉल करके आपको बुलाया ना सर? अरे तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है तेरे को? सर मैं ये कहना चाहता था सर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बार बार बोल रहे बुलाती है मगर आने का नहीं, मिठाई लेने के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे? सर ससुराल तो वैसी चीज है सर, बुलाती है मगर जाने का। क्या भाई तुमने यार, ये क्या कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन है तू? बार बार मेरे को कॉल करे आ रहा है, कभी बोला रहा है कि आ जाओ, कभी बोल रहा है नहीं, पहले वो लड़की कॉल करती है, फिर मेरे को हलवाई कॉल कर रहा है, तुम बार बार मेरे दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो तुम ये है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से अपना मुर्गा बना रहे थे सर आपका। तो अब आना या नहीं आना? बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं यार, गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात है, ये अलग ही जान खेल रहे, ठीक है भाई बजाते रहो। हेलो हेलो, से बात हो रही है? हाँ जी जी, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अगले साल आपका बोर्ड का एग्जाम है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एक एजेंसी है जिन्हें आपके बोर्ड की तरफ से ये सर्वे का काम मिला है, तो हम एक सर्वे कर रहे थे, अगर आपके पास में एक मिनट का वक्त हो तो हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहते थे। जी बताइए। ऐसा है ना रोहन, आपने देखा होगा कि अभी कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, है ना? जी जी। ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण गर्मी भी बढ़ रही है। जी। तो बोर्ड ने डिसाइड किया है स्टूडेंट्स की राय लेने के बाद में कि क्यों ना आने वाले साल से पासिंग परसेंटेज जो है वो 33-34 से बढ़ा करके उसको 43-44 कर दिया जाए, यानी 43-44 कर दिया जाए। तुम्हें इन सब सर्वों के लिए हमारे क्या? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, देखिए हम सर्वे वाले हैं, ठीक है ना? तो सर्वे वाले हैं तो 33-34 में तो हमारे जैसे जो वो तो बिल्कुल खराबी हो जाएंगे, उनका तो कोई बचेगा ही नहीं। नहीं नहीं, बचेगा क्यों नहीं बचेगा, देखिए आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जरूर होगा, और आप मुझे इस तरीके से गाली ना दें क्योंकि हम तो सर्वे कर रहे हैं ना कंपनी। तुम्हारे सर्वे की वजह से हमारे बर्बाद है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो शायद आपको मालूम नहीं है, बोर्ड ने यह भी डिसाइड किया है कि जिन लड़कों के 33-34% आने भी मुश्किल हो जाते हैं उनके लिए वो पासिंग परसेंटेज 53-54 कर देना चाहते हैं, यानी 53-54 तब तो वो पहुंच पाएंगे ना, हमारे 33% ही आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे जैसे लड़कों के लिए। नहीं, वो चाहते हैं कि आप थोड़ी बहुत मेहनत करें। बिल्कुल, उसे और खराब किए। आप मेहनत करें, आप मेहनत करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? अरे भैया मेहनत हमसे हो जाती तो हम पास ना हो जाते। हेलो हेलो हेलो, हाय, आप वो ही है ना इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको हर सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ, जहाँ जहाँ पे भी आपके पेजेस है, आपका एक जगह 85,000 फॉलोअर्स है, एक जगह आपके 1,00,000 फॉलोअर्स है ना? राइट। अरे आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स, आपके एडिटिंग, थैंक यू सो मच, इतने कमाल, एंड स्पेशली जब आप वो स्लोमो वाला करते हो ना, बेखाया जी जी, थैंक यू सो मच, आई लव इट, आई जस्ट लव इट, थैंक यू। मैं बस एक चीज जानना चाहती थी आपसे जी, ये आप कैसे करते हैं? हार्डवर्क मेहनत पढ़ाई में कर लिए होते तो 33-34 से 54 आ जाते।
तुम काहे परेशान किए हो? तुम्हारे सामने नहीं आ रहा है क्या सर्वे से भैया? हमको तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी मेहनत कर लेते तो आ जाता ना ये 33-34% से। तुम्हारे सर्वे तुम्हारे हमारे जैसे मिलते हैं क्या? हेलो हेलो सर, वी आर कॉलिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर कंपनी। जी बताइए। बेस्ट है सर हम लोग। जी जी सर, आपके प्रोफाइल हमारे डेटाबेस में है सर। एक कैंपेन हम लोग प्लान कर रहे हैं आपके साथ, कुछ कमर्शियल्स अराउंड 5 लाख होंगे। जी कितने होंगे? 5 लाख। 5 लाख सर। अच्छा, आप अग्री करते हो या फिर? नहीं नहीं बिल्कुल एग्रीड है। अच्छा सर, कुछ एक कंडीशंस है सर हमारे वो? नहीं नहीं कंडीशन मुझे सारी मंजूर है, कंडीशन की जरूरत नहीं है। नहीं मैं समझ रहा हूँ सर, पर फिर भी आप एक बार वो सुन लो कंडीशन, वो होता है ना। कंडीशन की तो कोई जरूरत ही नहीं ना, हमें सारी मंजूर है, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। सर आई टेक वन मिनट। नहीं नहीं कंडीशन ये है सर कि जो पासिंग परसेंटेज है वो 33-34 से। भैया तुम्हारे सर्वे हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, तुम्हें हमारे मिलते क्या बताने के लिए? कभी किसी टॉपर बंदे को फोन किया? यार तुम 5 लाख रुपए के लिए अभी कोई कंडीशन नहीं है, हम यहाँ पे खाली पासिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे सर्वे से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सर्वे उनके अपने जो टॉपर लड़के हैं उनसे करा जाते हैं। यार सुनो ए ए भाई, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हम लोग भाई लेकिन एक चीज कहनी है यार, ठीक है मतलब जो सोशल मीडिया पे जो करना है करो, इन्फ्लुएंसर बनो, लेकिन कम से कम पढ़ाई भी थोड़ी कर लो यार। टैग योर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रेंड इस वीडियो में और रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। जीमेल? हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं। हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। सर आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम बॉक्स। भर गया राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। हाँ, स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ तो फिर? हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम डॉक्टर पत्रा। जिंदगी नरक कर रखी है सर, पता नहीं क्यों भेज रखा है डेली बालूगा बाल। इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले आप। हम जो आपकी पिक्चर देख पा रहे हैं जीमेल में, लग रहा है आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ, ओ भाई हेलो हेलो, पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मतलब मत रखो, काम करो, खत्म निकलो यहाँ से। भड़क क्यों रहा? आपके सर पे बाल कम है, आई एम जस्ट सजेस्ट। बाल है नहीं तो तुमको क्या मतलब है, तुमको स्पैम बॉक्स क्लीन करने करो जल्दी। दूसरा मेल सर वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से है, सेक्स डिसफंक्शन और एक्चुअल जितनी भी बीमारियां हैं। सुनो सुनो, यहां पढ़ने वाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मेल आते रहता है, तुम कोई बताओगे तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है। मैंने बोला हटा दो हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है उधर मैं देख पा रहा हूँ, किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सुनो हेलो, तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो मेरी जीमेल? सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है आपकी जीमेल से, तो तुम मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे जाके? हाँ सर, केस करने जा रहा हूँ प्राइवेसी राइट ऑफ प्राइवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर, उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन बोल लीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। अरे मना कर रहा हूँ ना मैं, एक मत पढ़ो, मना के समझ नहीं आता है क्या पैर समझा रहे कभी से। सर आयुर्वेदिक वाले का मेल क्या करना है सर, ये रखना है या मोड़ के नंबर को अपने? एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक, आपको भेजा बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे, प्राइवेसी राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं है वो साइबर क्राइम होता है सर्वोसी के लिए। अभी ये भी है, कहाँ कहाँ से मेल नहीं आया इसको, रशियन गर्ल्स। हेलो ईमेल के नाम पे ठीक है, ड्राफ्ट फोल्डर है उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, तो वो सेंड कर दे क्या? भाई भाई ईमेल बंद कर दे, मजाक मत कर मेरे बात से यार, मेरी हाँ क्या हुआ सर? हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया वो सर, गलती तुमने ईमेल किया। अरे मैं नौकरी कुछ भी हो गया तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए, विन विद अविनाश एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। ऐसा कौन बनाता है? बनाता है यार भाई, कम से कम आप पीछे। वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है वो फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बना रहा था, उसने मुझे मैसेज किया था। कोई बात, ये बात छुपा रहे हो या कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई तो फिर आयुर्वेदिक वाला रख ले, बाद बाकी सब डिलीट मार दे। हेलो, हाँ ये जो न्यू रोड में जो बंगलो बनाया हुआ है मरून कलर का, ये आप ही का है? हाँ जी, आप कौन? विकास बोल रहे हैं आप? जी विकास जी, आप लोग सरकार की तरफ से आए थे, आपके बंगलो के ठीक बाहर में ही खड़े हैं हम लोग अभी। मेरे बंगले के बाहर में आप खड़े हैं? मतलब नहीं जी, एक्चुअली क्या है कि आपने वो सुना है
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके बारे में सुना आपने? जानकारी आपको? जी जी है। मालूमात तो आपको पूरी है, तो आपको बताना चाहूंगा कि एक सड़क बनने वाली है, वो आपके घर से होकर के गुजरेगी। हमारे पास में कोर्ट के ऑर्डर है आपके घर को तोड़ने की, क्योंकि सड़क वहीं से गुजरेगी। एक मिनट, मेरा जो घर है वो तो शहर में बना हुआ है, तो ये अरे भाई साहब, भारत का पूरा विकास हो रहा है, शहर गांव सब एक हो रहा है। तो अभी मेरी बात सुनिए, हम 15 मिनट से इधर में डोरबेल बजा रहे हैं आपके घर के बाहर में, कोई खोल नहीं रहा है, तो फिर आपका नंबर मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, मैं कोई अरे नोटिस तो इंडियन पोस्ट से आया होगा, डाक कहीं अटक गया होगा रास्ते में, कुरियर में। एक मिनट, सारे लोग काम पे आए हुए, मजदूर हैं, एक दिन का पैसा दिया हुआ, आज ही काम खत्म करवाना है। हम है नहीं ना वहाँ पे, तब हमारे लिए और भी अच्छा काम है, मतलब घर में कोई होता बुलडोजर चला देते जबरदस्ती, 5-6 लोग मर जाते। पागल हो गए क्या? किसी घर में बुलडोजर कैसे चला देंगे भाई? बुलडोजर चलाना तो पड़ेगा भाई, जब हमने ताला तोड़वा लिया है, ताला तोड़ा कि नहीं तोड़ा तुम लोग अभी तक? टूट रहा है। ये जो आप हॉल में झूमर लगाए ना, बहुत अच्छा लग रहा है, वो तार के हम लोग रख ले रहे हैं साइड में, ठीक है? एलईडी हमको पसंद आ रहा है, ले ले। एलईडी टीवी जो बड़ा वाला सर, वो भी ले ले रहे हैं सर। आहा, नया कटलेरी सेट। एक मिनट, आप बताएंगे तो कम से कम। अरे फायरबॉल बुलडोजर चालू करने के लिए 3-4 दिन के बाद में आएंगे, आपको यहाँ लगेगा नहीं यहाँ पर आपका घर था। चला 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 चला, आगे बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा। अरे सुन लो मेरी बात, एकदम हराम से क्यों किए जा रहे हो यार? अरे तब से तो सुन ही रहे हैं, किसकी सुने बताओ, तुम्हारी सुने ना कोर्ट की? पहली न्यूज टूटी आपकी, कैसे कर रहे हो यार? हम भेज रहे हैं अपने भाई को, भेज रहे हैं छोटे भाई को, हाँ। वो आ जा रहा है, आप लोगों से बात कर लेगा, 5 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं, बात बात तो क्या करना है, देखिए कोर्ट का पेपर है हमारे पास, आप थोड़ा ना, तुम लोग क्या फोन पे लगा हुआ है? फ्रिज से कुछ फल निकले खाएंगे, काट के धो करके देना आपको। छोटू आगे बढ़ाओ। हेलो भाई, अब आप हमारी एक फाइनल सुन लीजिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम आपका मुर्गा बना रहे थे, कोई ग्रामीण सड़क योजना नहीं चल रही यहाँ यार, खाली हम ही लोग, इसका तो निकल गया जान, हलक से निकाल दी यार प्रवीण भाई तुम। हेलो, पूजा जी बोल रही हैं आप? जी। पूजा जी, आपने हमारे जिम में वेट लॉस प्रोग्राम के लिए खुद को रजिस्टर करवाया था कुछ दिन पहले। जी हाँ। एंड अभी आप हमारे जिम में भी जिम कर रही हैं, राइट? राइट। सो मैम, देयर वर फ्यू इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी वांटेड टू गिव यू, व्हिच विल हेल्प यू एक्चुअली टू लूज वेट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके। आप रात को क्या अंधेरा करके सोती हैं? हाँ, अब से ना आप रूम में तकरीबन 6-7 ट्यूबलाइट लगाइए, सारी लाइटों को ऑन करके सोइए। इससे क्या ना आपको लाइट खाने को मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हैं? एंड डॉक्टर हमेशा कहते हैं ना, लाइट खाइए लाइट खाइए। सो आपको लाइट खाने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वजन थोड़ा कम होगा। मैम कुछ भी नहीं बोल रहे आप, मैं तो फैक्ट बात कर रहा हूँ। ऐसा होता है मैम, आप जब बहुत ज्यादा लाइट वाले रूम में रहते हो, लाइट से जो रेज आती है उससे गर्मी बढ़ती है, शरीर की चर्बी पिघलती है। आई डोंट थिंक सो। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सीरियसली? टेल यू व्हाट, आप रास्ते पर जाती हैं, कोई भी खूबसूरत सा लड़का दिखे, हैंडसम सा लड़का, उसको एक आंख मार दीजिए आप। क्या बकवास कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो क्या आप? मैम ऐसा है, जब आप लड़के को आंख मारेंगी तो वो लड़का दिन भर आपके बारे में सोचता रहेगा, आप जो है उसके दिमाग में दौड़ेंगी। Are you mad or what? दिमाग तो खराब नहीं है ना आपका? मैम दिमाग में दौड़ेंगी आप तो वजन तो कम हो गई ना। अरे what the f*** are you talking? Pooja, I just want to tell you that you're beautiful. Okay, thank you so much for that. And you know what? You should come more often on live videos on Instagram and Facebook. आपको और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप जब live करेंगी ना ये सब, तो आपका रुतबा बढ़ेगा, और जब रुतबा बढ़ेगा तो मार्केट में आप चलेंगी। देखो मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग ना ठिकाने पे नहीं है, आप ये बातें कर रहे हो, तो प्लीज फोन रखिए और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज। मैंने कहा आप मार्केट में चलेंगी, चलेंगी तो वजन ऑटोमेटिकली कम होगा, है ना मैम? मुझे नहीं चलना, मुझे कहीं नहीं चलना। बहन तेरे को तो खाली सेल्फी खींचनी है जिम में जाके। I'm just putting this on now. मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। सुनो जी, बोलिए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। बाहर किसी को भी देखो आंख मारने का, लड़के के दिमाग में दौड़ोगी। अब हर लड़के को मैं आंख मारने वाली। हेलो सर, आपकी हैंडपंप की कंपनी है राइट? आप लोग हैंडपंप बेचते हैं? हाँ जी। सर एक कस्टमर है जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है आपकी सर्विसेज से, एंड ही वांटेड टू टॉक टू यू। कनेक्ट कर दीजिए उनको, बात कर लेता हूँ। सर आपको बता दूं कि बहुत हाई प्रोफाइल कस्टमर है ये। अच्छा, उन्होंने हमसे हैंडपंप खरीदा? जी, उन्होंने आपकी कंपनी का हैंडपंप खरीदा, दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है, बात कर लेता हूं। एंड प्लीज डोंट लूज योर टेंपर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, श्योर श्योर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। सनी देओल जी? सनी देओल, आपने देखी होगी ना मेरी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे सनी देओल जी, बिल्कुल सनी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपका हैंडपंप खरीदा, लेकिन आपका हैंडपंप इतना खराब निकला, मुझसे पहले बॉबी ने उसे उखाड़ दिया।
हमने अपने आंगन में लगा रखा था आपका हैंडपंप। मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है मैं उखाड़ लूँ, लेकिन बॉबी का तो 200 ग्राम का है, उसने कैसे उखाड़ लिया आपका हैंडपंप? उखाड़ लिया पंप उखाड़ने का। वी लव डूइंग दिस। क्या क्या बोल रहा हूँ आपको, सच बात बता रहा हूँ मैं। अरे सर पंप अगर कोई दिक्कत आई तो बोलिए, हम रिप्लेस कर देंगे। लेकिन आप गुस्सा मत करिए सर। गुस्से की तो बात ही आई है, हमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर हमारा सप्लाई तो सर कलकत्ता में है, बॉम्बे कैसे हमारा माल पहुँच गया? हमने 12 आदमी घर लिया है, कॉन्ट्रैक्टर 3500 रुपए स्क्वायर फीट मांग रहा था, हमने 2800 में फाइनल किया। सर आप बोल क्या रहे सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नीचे। आप कैसे समझेंगे, आपके प्रोडक्ट की बुराई हो रही है। आपके प्रोडक्ट के बारे में तो मेरे पापा भी बात करना चाहते हैं, नीचे मेरे पापा से बात कीजिए। बेटा किससे किससे बात कर रहे थे? हेलो हेलो सर जी, आपका पंप इतना खराब है मैं क्या बताऊं? सर मैं धर्म जी से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपके पंप से जो पानी निकला वो नीट पीकर मैं 3 बार 12 साथ मेडिकल एडमिट हुआ और तीनों बार डॉक्टर ने कहा चापा अम्बुल हुआ है। ये कोई बात है? हमारे पंप में जो हमने बेचा है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है सर आप मुझे बताइए सर, आप अपना एड्रेस। बहुत प्रॉब्लम आई है, मैं आपको क्या बताऊं। आपके पंप के नीचे हमारी बीवी के कहने पर हमने आरओ लगवाया था, उसके बाद भी पानी आरओ ऐसा आ रहा है जैसे लग रहा है बोकारो से आ रहा है, आरओ से नहीं। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं सर। तुमको हंसी आ रही है? तुम मेरे पापा पे हंस रहे हो, तुम्हारे घर को पाकिस्तान समझ के उड़ा दूंगा मैं। अरे लेकिन की बात करोगे तो हंसेंगे ना लोग। तुमने किसको खा की बात करोगे? कोई लॉजिक के बिना बात करे जा रहे हैं, उखाड़ दिया पी लिया पेट खराब हो गया, क्या बोल क्या रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मम्मी के कहने पर हमने हैंडपंप के नीचे में आरओ की मशीन लगवाई थी, वो लगवाने के बाद भी पानी ऐसा आ रहा है जैसे आरओ नहीं सीधा बोकारो से आ रहा है। मतलब ये तो मतलब सच में अकल बड़ी है भैंस, आप बोलेंगे भैंस। अरे भाई इतना समझ में आ गया, ना तुम सही हो लो और ना धर्मेंद्र हो, सुबह सुबह आके दिमाग खराब। ईशा का भाई हो? ईशा का भाई यार, ईशा कोपिकर, कोई काम धाम नहीं है किसी और। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो विक्रम जी से बात हो रही है? हाँ जी। फ्रीलांस में आप काम करते हैं राइट? सो विक्रम जी अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है एंड इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट थी 7 दिन के लिए। ओके। इसमें सिर्फ आपको चीजें सुननी है और नोट डाउन करनी है। एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है आधा पादा किसने पादा। आधा पादा किसने पादा? आधा पादा हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें नर और मादा दोनों हैं। okay. ठीक है, और ये रिसर्च 7 दिन कंटिन्यूअस रिसर्च होगी जहां पर कुछ लोग आएंगे उन्हें खिलाया okay. पिलाया जाएगा और okay. वो उसके बाद में जो ना वो गैस की प्रवृत्ति होगी पेट के अंदर में और जो गैस निकलेगी हमें वो काउंट करनी है। ये जो नर और मादा आएंगे हमारे यहाँ पर इनके शरीर में एक यंत्र लगाई हुई रहेगी okay. जो उनकी फार्ट को कैलकुलेट करेगी और आपके कान पे हेडफोन्स रहेंगे। राइट साइड में आपको नर के पाद की आवाज सुनाई देगी और लेफ्ट में मादा। आप हंस रहे हैं, बहुत वाजिब सी बात है क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बेसलेस है, लेकिन साइंस के फील्ड में ना इस रिसर्च का बहुत योगदान है। पहला अध्याय है आधा पादा कौन पादा। आधा पादा कौन पादा? मेरे हाँ, के राइट साइड में आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी अगर ये नर की पाद है और बाएं में आपको ऐसी आवाजें आएंगी। तो ये था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है आधा पादा कैसा पादा। आधा पादा कैसा पादा, पहला आधा पादा कौन पादा। कौन पादा, पादा तो दाहिने में आपको मर्द की सुनाई देगी ऐसी और बाएं में तीसरा अध्याय होगा आधा पादा नून आधा पादा नून सवादा नून पाद नून सवादा। तो अच्छा। इसमें क्या होता है नमक की मात्रा हम थोड़ी ज्यादा देते हैं। दाहिने कान में ऐसी आवाज और बाएं में महिला की आवाज आएगी ऐसी। आप तैयार हैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए? सूंघना नहीं है सिर्फ सुनना है। चौथा अध्याय भी है इसका आधा पादा ये क्या पादा, ये क्या पादा। दाहिने कान में ऐसी और बाएं कान में मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से मुर्गा बट पहली बार ऐसा हुआ है मुर्गा को खाते बनाते मैं खुद इतना हंसा भाई। थैंक यू भाई। বুবুন্দা আপনি কয়েকদিন আগে আমাদের শোরুমে এসেছিলেন জুয়েলারি কিনতে। আপনি দোকান মে আয়ে থে আপনি তকরিবন 30-40 কিসম কে আইটেম বগেরে দেখে লেকিন লিয়া আপনি ও 2500 वाला एक ही आइटम था। हां जो पसंद आया वही ले लेंगे। तो বুবুন্দা आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे लकी 890वें कस्टमर है, तो आपको 24 कैरेट सोना मिलेगा। क्या बात कर रहे हो जी, ये हम आपके पास में भेजेंगे और आपको एक छोटा सा काम करना है। जी बताइए। ये 24 कैरेट के साथ में सोते हुए एक सेल्फी लेनी है। सोते हुए? जी सोते हुए। आप जरा एड्रेस बताइएगा। 215 गार्डन रोड। यहाँ भी आपने कंजूसी कर दी ना। वो कैसे 215 लिया घर, कम से कम 3000-4000 लेते। गुड जोक, गुड जोक, गुड जोक। स्कूल
जो 24 कैरेट गोल्ड भेजने वाले हैं ना, मतलब कैसे भेजेंगे, वो गिनी में भेजेंगे या फिर? नहीं नहीं, वो थैले में भेजेंगे आपको। अच्छा, बड़ा सा थैला रहेगा, बड़े से थैले में 24 कैरेट रहेगा। गाजर समझते हैं? सॉरी, गाजर? गाजर? हाँ, क्या गाजर? ऑरेंज कलर वाला जो गाजर होता है ना। हाँ, तो वो क्या है? जिसका हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन आपने शायद कभी नहीं खाया होगा, आप तो इतने कंजूस है। 24 कैरेट गाजर आपको भेजेंगे, वो बिस्तर पे ऐसे बिछा करके लेट करके उनके साथ में एक सेल्फी खींच करके आपको हमें भेजना है। दुकान से ही बोल रहे हैं? जी, दुकान से ही बोल रहे हैं। आप भी ऐसा मत क्या कीजिए ना, दुकान में आते हैं तो 1000 आइटम देखते हैं और लेते वक्त बोलते हैं वो 2500 वाले दिखाइए। फिर भी आपके नाम से कम इंसल्टिंग है, बहुत फालतू बात हो रही है। तू बस फोन रख यार, फोन रख। हेलो हेलो दाजु, तपाईँको एड्रेस कहाँ छ, मलाई अलिकति पठाइदिनु न। म बोलेको कान्छा, बुबुन से बात गर्ने। तपाईँको एड्रेस कहाँनिर, मलाई व्हाट्सएप गरिदिनुहोस् त। एड्रेस व्हाट्सएप? दादा हम थे आपको वो गाजर था, 24 गाजर पड़ा हुआ यहाँ पे। किस बात का गाजर? वही जो ज्वेलर वाला ने हमको बोले थे कि आपके घर भेजने के लिए, इसीलिए अभी पड़ा हुआ है, 2 दिन हो गए दादा वो रखे हुए। सुन सुन, तू मेरी बात सुन, वो जो गाजर है ना, तू अपने में घुसर ले। मैंने बुझने की वानिको वानिको गाजर लेके दुकान में जाओ, दुकान मालिक जो है ना, जो फोन किया था उसके में घुसर ले। नहीं, हम ही मालिक है, हम ही दुकानदार दादा, कसरी थे तबले गर्नु भयो। हम गाजर लेने के लिए व्हाट्सएप करेगा एड्रेस, जाके अपने दुकान मालिक को दे दे पैसा। बबुंदा, बबुंदा, मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, आपका दोस्त है देवाशीष। ओह माय गॉड, आपके दोस्त देवाशीष ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत कमी ना दोस्त। जी सर, हम लोग इंडिया से बात कर रहे थे एंड हमारा एक सर्वे है जिसमें हम चाहते हैं कि आप भाग ले ताकि हम इंडियंस की इंटेलिजेंस का एवरेज पता लगा सके। कैन वी टेक एग्जैक्टली 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम? राइट सर, तो पहला सवाल ये है कि जब भी हम घोड़े की बात करते हैं तो आपको किन का घोड़ा याद आता है? फैंटास्टिक सर, जब भी हम गुलाब फूल की बात करते हैं आपको कौन याद आते हैं? जवाहरलाल नेहरू या गर्लफ्रेंड? बहुत सही। जब भी हम चरखे की बात करते हैं तो आपको कौन याद आते हैं? महात्मा गांधी याद आता है, लेकिन ये सब सवाल से क्या तालुका है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो लोग बेसिक क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारा क्या ना, किसी गधे से बात करने का दिल कर रहा था। अच्छा, तो मैं लगा फोन लगा लेना चाहिए आपको। क्या बोल रहे थे? बोले किसी सर, हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे सर, एक उसका जवाब। आपसे माफी मांग रहा हूँ सर, हाथ जोड़ते हुए सर, हमारी गलती हो गई सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर मैं माफी मांग रहा हूँ ना सर, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ सर, गलती इंसान से होती है सर, और माफ करना ही बड़प्पन होता है सर। तो मेरा अगला सवाल है सर, SILK इसको क्या कहते हैं? सिल्क। अभी क्या आप इसको 10 बार बोल सकते हैं लगातार? सिल्क को 10 बार बोलना है सर, ये फ्लुएंसी टेस्ट है। अच्छा सर, आप बताइए गाय क्या पीती है? मिल्क। सर गाय मिल्क देती है, पीती नहीं है, हमने ठीक ही पहचाना था सर, आप गधे। हेलो सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर एक, आप गधे नहीं है सर, सर आप गधे नहीं है सर, सर आप गधे नहीं है सर, हम यही बोलने के लिए आपको फोन कर रहे थे सर। कोई मतलब नहीं, आप गधे नहीं सर, आप महागधे। मैं रेड एफएम से प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहे थे हम लोग। भाई सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, अपोलॉजीज आपको गधा बोलने के लिए, बस वो सिर्फ मुर्गा के लिए बोला हमने, अदरवाइज वी डिडंट मीन इट राइट सब, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर मुझे कभी किसी गधे का याद आया हाँ, तो मैं तेरे को फोन बुला लूँ क्या? अरे हाँ दादा, आपका गधा क्या एनाकोंडा का भी याद है, बुला लीजिए। हेलो सर, मैं वो दवाई दुकान से बोल रहा था, कल रात को आप इधर से दवाई लेकर के गए थे ना? हाँ, लेकर जी, बताओ। आपने क्या जो दवाइयाँ ले गए थे वो ले ली है? दवाई लेने के लिए ले गए थे भाई, दवाई रखने थोड़े ले गए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई सर, एक क्या गलती हो गई कैसे बताऊं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे बताना क्या गलती हो गई। सर देखिए, मतलब जो यहाँ पर काम करता था नया आया था, टेस्टर के लिए कुछ दवाइयाँ पड़ी थी, तुमने मुझे दे दी हो सर, इसका 24 घंटे के बाद में आपको पता चलेगा सर, मतलब क्या खुजली वुजली तो नहीं हो जाएगी भाई? नहीं 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 सर, मैं तो बताने में भी सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, अभी आपने वो अजीब लगेगा फिर सर, अभी मार्केट में ना वो ओरल दवाइयाँ आई है नसबंदी की, होंगी तो टेस्टर हमारे पास में आया था सर, गलती से तूने मेरे को वाली दवाई दे दी क्या? आपने दवाई ले ली है क्या बाय एनी चांस? अरे मैं रात को तेरे पास दवाई लेना इसलिए क्योंकि मुझे रात की डोज लेनी थी यार। अभी कोई असुविधा तो आपको नहीं फेस कर रहे ना आपको, मतलब असुविधा मतलब तू क्या, मैं नसबंदी हो जाएगी, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर लीजिए सर, आपके चांसेस है सर। तू बता सर, इसका कोई एंटीडोट नहीं है सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या सॉरी यार,
हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें सर, ये तो अंदरूनी मामला है। ऑपरेशन ऑपरेशन कुछ तो होगा यार इसका उपाय। नहीं सर, वो नशे अपने आप में ऐसे जुड़ जाएंगी सर, ऐसा गठबंधन है सर कि वो छूट नहीं पाएगा सर। जो सजा आप देना चाहते हैं सर मंजूर है, गलती हुई, अब हम क्या कर सकते हैं सर? मैं तेरे को खिलाऊंगा तेरी वो सारी जमान, बताओ टेस्टर सर। मैं तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के जबलपुर निकल जा रहा हूँ सर। हेलो, नमस्कार सर, मैट्रिमोनी से बोल रहे थे, आपका यहाँ पर एक प्रोफाइल है। हाँ जी हाँ। सर आपने रिसेंटली कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है अपना? मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब? सर एक फेसबुक पोस्ट है जिसमें आपको टैग किया गया है, वी कैन सी कि आपने नसबंदी करवाई है, तो ये हमारे सिस्टम में क्या हम अपडेट कर दें? तुम्हें किसने बताया? मैंने कोई नसबंदी नहीं कराई है, किसी ने मुझे गलती से दवाई दे दी भाई। एक मिनट, आपने क्या कर दिया गया सर? सर दोबारा नहीं हो सकता, 48 घंटे से पहले तो हो ही नहीं सकता सर। चेंजेस कैन नॉट बी मेड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 96/3। सर आपने करवाई है सर, इसीलिए तो परेशान क्यों हो रहे? आप तो इंस्पिरेशन बनेंगे हमारी। इनाम सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। जवान लड़के ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसने सिस्टम में रहने देते सर। ओके थैंक यू सर। अरे क्या रहने देते यार, वो पागल है ना, ओ भैया हेलो सर। हमें भी सर, तुम सुनो एक मिनट रुको यार, सर हमें भी वो दवाई चाहिए सर, हमें भी करवानी है। कौन बोल रहा है? नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से, एंड वो मेडिकल स्टोर वाला कॉल भी हम ही ने किया था। हेलो, मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकल्स बताइए। कितने पुरानी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एक्सक्यूज मी, वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस, बता कितने सालों से आप दवाइयों के काम में हैं? 15 साल हो गए मेरी दुकान को। घर पे दवाइयां डिलीवर करते हो? हाँ हाँ, हमारे यहाँ डिलीवरी जी। तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो, मैं ऐसे खींच के फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। 9560। अच्छा बाकी छोड़ो, ये बताओ बेटा, सर्दियों में जैसे होंठ फटते हैं तो लोग क्या लगाते हैं? गर्मियों में क्या फटती है? मतलब बोलते ना, अरे बाप रे आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो वो फट गई, वो मतलब मालूम है ना वो। आपको दवाइयाँ कौन सी ऑर्डर करनी है? पहले बीमारी बता रहा हूँ ना, गर्मी में क्या फटती है? फटती है, जानना चाहता था कि उसके लिए क्या दवाई है? फटने की दवाई चाहिए। होट फटने की हो सकती है तो बेटा उसके फटने की भी होनी चाहिए ना। एक काम करना, हाँ। सुई धागा ले, हाँ। छील ले। फिर तो मुझे वो सिलाई कढ़ाई वाले के पास में जाना पड़ेगा, मैं दवाई दुकान में क्यों कॉल करूंगा? मैं यहाँ टाके भी लगा लेता हूँ, मैं तेरे को लगा दूंगा। कितना लेते हो आप टाकों का? ये काम मैं फ्री में करता हूँ, तो बता कितने टाके लगाऊं? बेटा वैसे तो बहुतों की फटी पड़ी है, मतलब सिलते सिलते तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। देख दूसरा इलाज भी है मेरे पास। हाँ बेटा, खोल के कूलर के आगे खड़ा हो जाए, कूलर चला के 3 पे। अच्छा बेटा, ठंडी तू भी रहेगा ठंडा, और ये जो फालतू की कर रहा ना तेरे, अगर नाक में जैसे ठंड लगती है वहाँ पे ठंड लग गई तो फिर वो बहेगी, फिर तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। तुम खाली अपना धंधा देखते हो है ना? नसूड़ो में ना फंसा दूंगा। नहीं है बेटा कूलर, हाथ के बल खड़ा हो जा। हाँ खोल दे बेटा, इस उम्र में दे वाली चीजें क्यों बता रहे हो बेटा? दिक्कतें भी तो इसी उम्र में शुरू हुई है ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिक्कत हो रही इससे। बहुतों की मतलब ऐसे फटती है ना गर्मी आते के साथ ही। तू एक काम कर, हाथ के बल खड़ा हो जा और अपने टांग चीर दे, ठीक है? पंखा ऑन कर दे 5 पे, लेकिन हाँ रूम में किसी को मत रखियो। क्यों बेटा? गलती से तू पार पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बेटा ऐसी गंदी आदत नहीं है हमारी तुम्हारी तरह। अच्छे साले मोला खाने वाले साले इसक बोल के तू बताएगा गंदी बातें। बेटा एक चीज जाननी थी मुझे, अभी भी कुछ जानना है इतनी जलालत के बाद? C6H12O6, C4H10, C8H18, बटा ग्लूकोज ब्यूटेन ऑक्टेन फेल साले बी कर दी शकल के। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और अबे यार प्रवीण भाई ये क्या फटने की धूम में क्या लगा? मैंने तो पूछा सर्दी में होंठ फटते गर्मी में क्या फटते, आपने खुद ही बताया वो फटते। प्रतिभा बात कर रही है? हाँ, आप कौन? प्रतिभा जी मैं की तरफ से बात कर रहा था, हम एक सर्वे कर रहे थे एंड उस सर्वे के लिए हमें आपका 2 मिनट का वक्त चाहिए था अगर आप। अच्छा बताइए जी, हमारी जानकारी में आया है कि आपका घर जो है वो 2100 स्क्वायर फीट का है। नो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपके घर में रहने वाले 3 जन है। हाँ। आपके घर में 3 कमरे जो है वो ऑलमोस्ट खाली है। ये सब आपको कैसे पता चल पा रहा है? आपने प्रॉपर्टी के लिए बैंक लोन लिया था, बैंक लोन के लिए पैन कार्ड नंबर दिया था, पैन इज लिंक्ड विद आधार, सो हमें मालूम चल गया कि कितने कमरों का आपने फ्लैट लिया था। सो आपके घर पे 17 लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है? आर यू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया? यस आई एम। हाँ तो मैं आपको बात बताऊँ, देखिए गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है अब। जब तक बिजली नहीं पहुंच रही है तो हम लोगों के घरों में अकोमोडेट कर रहे हैं। आपके घर में 3 रूम खाली है, आपको रेंट भी मिलेगा। 17 लोग हैं, आपको रेंट भी मिलेगा। भाई रेंट पे क्या बात कर रहे हैं आप? आपको सरकार रेंट देगी? मुझे नहीं रखना अपने घर में अनजान लोगों। मैडम आप ऐसे कैसे आप जबरदस्ती बिना मेरी परमिशन के मेरे घर? जबरदस्ती नहीं, क्योंकि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। बट दिस इज सो स्टूपिड। अच्छा आपके घर में बाथरूम कितने मैम? 3 है ना, 17 3 20 लोग, 20 लोग 3 बाथरूम, ठीक है कोई बात नहीं मैडम। हम लोग सारे लोगों को ना बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन दे देंगे, वो उसमें करके
What are you saying? मैं आपके भलाई की बात कर रहा हूँ कि आपके ठीक है बाथरूम में आपके वो नहीं जाएंगे, गंद नहीं फैलेगी। आपके घर के बाहर वो हरा और सादा एक हम रखेंगे, गीला कचरा सूखा कचरे के लिए। मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह का सेंसिबल सर्व। मैम आई यू, कौन सा सर्व है? मैम डिड यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? रखूं स्ट्रेंजर्स को अपने घर में और मेरे घर में पॉलिथिन लेके आएंगे? डिड यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? यस। हाउ इज योर इंग्लिश? इट्स गुड। तो मैम उनको नाइट स्कूल के तहत आप पढ़ा भी दीजिएगा रात को, ठीक है? अच्छा हाँ, और बताइए फिर। सर्व शिक्षा अभियान भी चला दूँ, सफाई अभियान भी चला दूँ, और कुछ बच गया है अपने माँ बाप को भी भेज दीजिए आप। मैम वो देख रहा हूँ कोटे में, अगर हो सके तो बढ़ा दूंगा, 17-19 करके मैं भेज दूंगा। What the? Are you really serious about that? चल रहा? Are you really? आपकी भाषा भी ना उनसे मिलती है जैसे गाली गलौज देती हैं आप। सो ठीक है, आपकी पटरी बैठेगी उनके साथ में, मैं बता रहा हूँ। अबे ओ हेलो हेलो, मुझे नहीं लगता ये कोई गवर्नमेंट का सर्वे है, दिस इज टोटल। आपके घर पे तो 17 लोग आएंगे मैडम, आज 17 महाभोज की तैयारी कीजिए, 17 लोग आएंगे एकदम दिल खोल करके एंजॉय करेंगे सारे लोग। मैं पुलिस को फोन, आप किसका, आप मुझे बताइए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा मजा ये किस तरह का मजाक हो रहा है प्रतिभा? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेडियो 93.5 से मुर्गा बनाया जा रहा है। प्रवीण यार मैं सच में बहुत डर गई थी। तुम्हें गवाह बताओ यार, 21 सब्सक्राइबर घर में अकेली रहती है, 3 जगह हमें फ्रेंड पे दे दो, तुम हमें दे दो, तुम्हें तो करता ही ना दूं मैं। तो मैं कौन सा मांग के ले रहा, मैं तो जबरदस्ती। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे पुनीत जी का। वैसे तो इनका काम प्रॉपर्टी का है, लेकिन अंदर ही अंदर एक फिल्मी कीड़ा भी है जो इनसे भी बड़ा होता जा रहा है। आज ट्रेलर काटो इनका, बजाओ इनका बैंड। हेलो, अरे भैया चौबे बात कर रहा हूँ, पुनीत प्रॉपर्टी डीलर वाले हो क्या आप? हाँ जी कौन ये भैया? बोल तो दिया, चौबे बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ 6-7 महीने पहले हमारे पिताजी ने आपके साथ डीलिंग करी थी, रेंट पे घर लिया था, ठीक है? अच्छा। ओ, जो है रेंट की सिक्योरिटी और हमारा रेंट जो है वापस कर दो आप, मैं आपके पास आऊंगा, हमको यहाँ पे जो है घर नहीं रहना, हम खाली कर रहे हैं इस घर को। क्यों खाली कर रहे हैं तो बताओ पहले। अरे भैया ऐसे मोहल्ले में आपने डाला है यार। अरे शाम के टाइम में दूध लेने गया हूँ पीछे डीडीओ मार्केट में, वहाँ पे हमारी पड़ोस की एक मोहतरमा खड़ी हुई थी, उन्होंने मुस्कुरा के नमस्ते करा, मैंने भी सारे में नमस्ते कर दिया, अब उनके पति जो थे साथ में खड़े हुए थे वो फालतू बात करने लग गए। क्या बात होगी बताओ? अरे मैंने जैसे ही नमस्ते करा तो मेरे सामने आके कहते हैं, शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी आंटी। अरे है कौन, आवाज कैसी आ रही है? अरे तो तुमको बता रहा हूँ मेरे मालिक, उन्होंने ये बात बोली कि शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला अरे मेरे मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, आप साइड में आके बैठो, वहीं पर बेंच लगा हुआ था। अब बताओ ऐसे कहने लगे। हाँ क्या आवाज आ रही बीच में? हाँ तो मतलब हम तुम्हारे कहीं पे बैठेंगे उठेंगे। क्या मूवी देखने गया क्या? अरे मूवी नहीं देख रहा मैं तुम्हारे, एग्जैक्टली वही बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे को बोली। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बोला भाई ऐसा है मेरी भाभी समान है, मैं तो इज्जत करता हूँ इनकी, तो कहते हैं झूठ नहीं। हम तुम्हें इतने छेद करेंगे, तुम क्यों हो जाओगे, इस सांस कहाँ से लेंगे और बातें कहाँ से। बताओ बीच में बात क्यों आ रही हो? एग्जैक्टली बात करने ढंग से बात करो ना। बीच में आवाज क्या आ रही है, उन्होंने जो बात बोली है वो तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? तो ढंग से बोलो ना, बीच में पिक्चरों की बात क्यों आ रहे हो? अरे वही बात तो बोली है उन्होंने। तो बोलिए मैं क्या करूँ फिर? अरे सुनो उन्होंने क्या बोला है यार। क्या बोल रहे तुम? मैंने उसके बाद बोली मेरे दोस्त कुछ समझ में नहीं आ रही, तो कहते हैं मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता समझ में नहीं। अबे वो सुन, सलमान खान की छठी औलाद, मेरी बात सुनो, अगर अब आवाज आ गई ना फोन काट दो, सही है? मेरी बस इतनी बात सुन लो, उनकी बीवी ने क्या बोला, तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरे मार के। अरे बुड्ढा कौन है, 34 साल का तो टोटल चौबे बोल रहा हूँ। कितना घर में पैदा हुआ था क्या चौबे? अच्छी तरह गीला कर देंगे तुमको ऊपर से लेके नीचे तक। हमारे हमारे गांव के बच्चे पता क्या करते हैं तुम जैसे को देख के? हमारे गांव में होने से पहले तमंचा चलाना सिखाते हैं। हाँ देख रहा है, तमंचा चलाना सिखाते हैं। तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक। हेलो सर, आप फिजिक्स के टीचर है राइट? हाँ जी। एक छोटी सी चीज मेरे को जाननी थी जिसके लिए मैंने आपको तकल्लुफ दी है। समझा नहीं मैं आपकी बात को। वो जो एप्पल गिरा था, कौन सा एप्पल? न्यूटन वाला। हाँ। वो न्यूटन ने क्या खोज करी थी सर? ग्रेविटी की खोज करी थी। ये ग्रेविटी को सर हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब धरती के अंदर एक खुद का उसका आकर्षण होता है, पृथ्वी के अंदर। जैसे लड़कियों के अंदर में अपना आकर्षण होता है वैसे ही जी, उनका आकर्षण कुछ अलग है, आप तो उसको इससे ना जोड़िए, ये अलग है। तो जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो धरती के अपने एक्सेस में आएगी, उसकी रेंज में आएगी, यानी कि पृथ्वी की तरफ वापस वो खींच चली जाती है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मुझे लग रहा है ना सर मेरे बेटे में गुरुत्वाकर्षण की कमी है। जो नहीं हो गया गुरुत्वाकर्षण धरती के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। तुम्हारा बेटा पृथ्वी नाम है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की कमी है क्योंकि लड़कियां उसकी तरफ खींची नहीं आ रही है। 36 साल उसकी उम्र हो गई, शादी भी तक हुई नहीं है। तो नहीं हो गया, कैसी बात कर रहे, शादी नहीं हो रही है तो लड़कों के अंदर गुरुत्वाकर्षण की कमी थोड़ी ना हो जाती है। तो यही तो देखिए, लड़के का नाम पृथ्वी है, अगर लड़के आकर्षित नहीं और इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण की कमी आएगी नहीं, सिर्फ नाम पृथ्वी
नहीं होने से उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं आ जाएगा। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? अबे तू क्या कह, कितने साल से नहीं पता तो चले लोगों को कितने साल से आप बना रहे हैं। बना रहे का मतलब क्या होता है? बना रहे मतलब इंटेलिजेंट बना रहे हैं, हर चीज का मतलब सीए नहीं होता ना। पापा क्या हो गया फिर से ना बोल दी? तुम शक्ल देखो बेटा, शक्ल में गलती है तुम्हारे। हेलो मेरे को यार, आपको बना कहा रहे हैं सर? आप तो है मतलब मैं तेरे को वहीं घुस के मारूंगा तू जहाँ पर है। टीचर को ये शोभा नहीं देता सर। पापा शोभा तो मुझे भी नहीं देती है। तुम्हारी तो शक्ल में ही प्रॉब्लम है बेटा। तुम तो सुबह सुबह हमें मिले आने के लिए पृथ्वी का आकर्षण, चल को हमारे बेटे का नाम गुप्ता होगा तो क्या भूख नहीं लगेगा? गुप्ता नहीं सर, कुत्ता। फोन रख, हमको कनेक्ट मत करें यहाँ पर ज्यादा। हेलो, गुरुत्वाकर्षण का रिचार्ज हो जाएगा क्या आपके पास में? सर तो कोई रिचार्ज नहीं होता। 73 रुपए जोड़ करके लिख रहा है, रिचार्ज कर दीजिए ना अंकल। देखिए भाई साहब, सुनिए 73 में छोटा ही होगा लेकिन कर दीजिए, कम से कम 3-4 लड़कियां तो अट्रैक्ट होंगी उसकी तरफ। 1 लीटर कर दीजिए कम से कम। 1 लीटर का रिचार्ज नहीं होता, थप्पड़ खाएगा तुम। हेलो, जो आप परेशान किए जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप उसको गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। गुरुत्वाकर्षण बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। अरे मोबाइल चार्ज करके दे देंगे आप, ये गुरुत्वाकर्षण क्यों? मोबाइल भी चार्ज करते हो आप? मोबाइल रिचार्ज करके दे देंगे क्या? पैसे दीजिए, हम सब करके दे देंगे। पैसे दे करके अपना ईमान बेचने के लिए आ गए आप? मुंह पे थूको मत। इनके जितना रुपया लगेगा उतना रुपया देने को तैयार है आप? 6-7 किलो दे दीजिए उसको गुरुत्वाकर्षण प्लीज अंकल। तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे का पृथ्वी से बदल के मंगल ग्रह रख दो। वाह 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 वाह, ताकि उसके ऊपर में मंगलयान चढ़ाई करे और कोई चढ़ाई करे ही ना, है ना? अरे हेलो दोनों बाप बैठे सर। गुड मॉर्निंग, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बना रहे थे।